गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि अगर अपनी फर्म अगर यानी कि अपनी फर्म परचेजिंग क्या करती है, इंटरेस्ट ट्रेड करती है और सेलिंग लोकल करती है। करने का मतलब है कि अपनी जो कंपनी है वो राजस्थान में स्थित है। अब हम क्या करते हैं, राजस्थान से बाहर से तो परचेजिंग करते हैं लेकिन सेलिंग क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ट्रेड ही करते हैं। या फिर ऐसा हो कि हम प्रोडक्शन या किसी चीज़ का परचेजिंग राजस्थान में करते हैं या इंटरेस्ट ट्रेड करते हैं, यानी कि परचेजिंग हम राजस्थान में करते हैं और सेलिंग अदर स्टेट में करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या होता है कि IGST है वो इनपुट तो होता है ज़्यादा और IGST का आउटपुट होता है, ठीक है ना। IGST CGST का आउटपुट होता है, IGST का इनपुट होता है। इस सिचुएशन में हम IGST CGST और IGST को किस प्रकार से हम मेंटेन करेंगे, किस प्रकार से उनका जो एडजस्टमेंट है वो पास करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे कई बार क्या है, IGST का इनपुट ज़्यादा हो जाता है या फिर कई बार CGST IGST का इनपुट ज़्यादा होता हो जाता है, तो उसको IGST में किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे वो चीज़ आज हम देखेंगे। तो चलिए अपनी कंपनी एजुकेशन मोड में चलते हैं, ठीक है। एजुकेशन मोड में चल के तो अपनी कंपनी हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एजुकेशन मोड में। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी, राजस्थान, एक्सेप्ट, डिटेल फिल करोगे आप, जो भी आपके मोबाइल नंबर, पिन नंबर, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर वो हम फिल कर लेंगे, ठीक है। जैसे अपनी कंपनी क्रिएट हो जाती है, हम इम्पोर्टेंट अपने फंक्शन वो यस कर लेते हैं, जैसे GST राजस्थान रेगुलर, ठीक है। यहाँ पर GST नंबर, ठीक है। यहाँ पर मंथली, यहाँ पर ये बिल्कुल मैं नो रख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी को इसी प्रकार बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, जैसे एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर वाउचर्स में चलेंगे, वाउचर्स में चल के हम परचेजिंग करेंगे। परचेजिंग करने के लिए हम पार्टी की रेट कर लेंगे, जिस पार्टी से हम परचेज करेंगे उस पार्टी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम जैसे कि क्या होता है अपना, सेंडरी क्रेडिटर, ठीक है। यस रेगुलर है, यहाँ पर ले लेंगे हम दिल्ली इंडिया, रेगुलर 07, यहाँ पर दिल्ली के हमने GST नंबर ले लिए और इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का नेम एड्रेस डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हम परचेज की लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर परचेज वाउचर में, ठीक है। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, नो गुड्स और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, परचेज इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर आ जाएगा अपना परचेजिंग मोबाइल्स, नॉज, GST यूनिट नंबर्स, ठीक है। अप्लीकेबल यस, टैक्सेबल 18%, गुड्स एंड एक्सेप्ट 18 क्वांटिटी 7,000। इसी प्रकार अपनी लिस्ट बना लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा IGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST इंटीग्रेटेड टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग 1, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, GST रिपोर्ट चेक करेंगे। तो GST रिपोर्ट में हमें साफ दिखाई देगा कि क्या परचेजिंग में कितना टैक्स हमें अप्लीकेबल हुआ है। तो GST R2 में हम परचेज की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर देखो 22,600 रुपये GST टैक्स अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट एंट्री सेल्स की पास करनी होगी, तो सेल्स पार्ट पास कर देंगे हम आर के, ठीक है। सेंड्री डेबिटर्स, ठीक है। यहाँ से हम राजस्थान लेंगे क्योंकि लोकल पार्टी है, यहाँ से हम कंज्यूमर ले लेंगे और उसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। डिटेल आ जाएगी पार्टी की, यहाँ से हम सेल्स की लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट नॉट अप्लीकेबल, नो गुड्स और एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल, ठीक है, लोकल करें तो सेल्स टैक्सेबल आ जाएगा। मोबाइल्स 18 क्वांटिटी है, टोटल की टोटल बेच रहे हैं 12,000 रुपये में, यहाँ पर लगेगा हमारा CGST चार्ज होगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में GST सेंट्रल टैक्स नॉर्मल राउंडिंग और 1। इसी प्रकार GST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST स्टेट टैक्स नॉर्मल राउंडिंग 1, एक्सेप्ट, ठीक है। इसी इंटू को हम एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है।
इस प्रकार से हम परचेजिंग सेलिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं कि इस प्रकार से हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी टू में परचेज जाता है, जीएसटी आर वन में सेल्स दिखाता है, हम जीएसटी थ्री भी में दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोल वाइज प्रेस करके इसको टेबल वाइज देख सो कर लेंगे। तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई है वो तो क्या है कि हमने सेल्स किया, इनवर्ड सप्लाई है वो परचेज किया। तो हमने इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, अपनी पार्टी है कंपनी है वो क्या करते हैं, हम कंपनी क्या करती है परचेजिंग, तो इंटरेस्ट रेट करती है यानी माल तो दूसरे राज्य से एक्सपोर्ट करती है लेकिन सेलिंग उसी राज्य में करती है। ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या है, सीजीएसटी से सीजीएसटी हम वो नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आईजीएसटी से एडजस्टी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट क्रेडिट तो किसका होगा हमारे पास, आईजीएसटी का, लेकिन आउटपुट क्रेडिट होगा हमारे पास सीजीएसटी एडजीएसटी का। तो दोनों को हमें क्या करना, समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर देखो 22,000 रुपया आपका क्या है, 22,600 रुपया हमारा आईजीएसटी बनता है, यहाँ पर 38,000 रुपये 38,880 सीजीएसटी एडजीएसटी का दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में एडजस्टमेंट करना है। तो हम चलिए अपनी ट्रायल बैलेंस में देखते थे, ट्रायल बैलेंस में हमें साफ क्लियर हो जाएगा क्या हमारे ड्यूटी ड्यूटीज एंड टैक्स में। अब देखो यहाँ पे आईजीएसटी कितना है अपना, 22,600 रुपये आईजीएसटी का बनता है, ठीक है, 22,680 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर सीजीएसटी एजीएसटी 19,440 × 19,440 बनता है, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें हमें सीजीएसटी चुकानी होगी लेकिन हमें इनपुट क्रेडिट तो लेनी है, क्योंकि हमारे पास अगर अपना बिजनेस अगर परचेजिंग आउट स्टेट आउट इंटरेस्टेड है तो हमारे पास सीजीएसटी एडजीएसटी का सिमुलर बनेगा नहीं और एडजस्टमेंट होगा नहीं। तो हमें इस स्थिति में आईजीएसटी का इनपुट है ना वो आउटवुड में सीजीएसटी एडजीएसटी को एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले हम देख लेते हैं सीजीएसटी है तो सीजीएसटी का एडजस्टमेंट हम कब कब कर सकते हैं, अगर अपना इनपुट सीजीएसटी है, अपना इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी का एडजस्टमेंट हम किसके साथ करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी के साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे आउटपुट सीजीएसटी को देंगे, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास नहीं अवेलेबल था अब है तो हम किस को देंगे, अब अगला प्रायोरिटी देंगे हम आउटपुट आईजीएसटी को, ठीक है। या तो सीजीएसटी का एडजस्टमेंट या तो इनपुट सीजीएसटी का एडजस्टमेंट आउटपुट सीजीएसटी के साथ कर सकते हैं, या फिर अगर आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो हम आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस लेकर इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन तभी भी हम आउटपुट एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आउटपुट एसजीएसटी के साथ हम कभी भी सीजीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कि स्टेट का अलग ब्यौरा होता है और राज्य का अलग ब्यौरा, स्टेट स्टेट का अलग ब्यौरा होता है और सेंटर का अलग ब्यौरा होता है। तो सीजीएसटी का हम सीजीएसटी का एसजीएसटी के साथ इनपुट कभी भी नहीं करेंगे। अगर इससे विपरीत अगर हमारे पास इनपुट एसजीएसटी अवेलेबल हो तो उसका एडजस्टमेंट हम आउटपुट एसजीएसटी फर्स्ट प्राइट हम आउटपुट एसजीएसटी को देंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम आउटपुट पुट आईजीएसटी को देंगे, बट कभी भी हम आउटपुट सीजीएसटी के साथ इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ब्यौरा अलग होता है और एसजीएसटी का ब्यौरा अलग होता है, इसके कारण हम इनके साथ इसका इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएसटी का हम आउटपुट एसजीएसटी के साथ नहीं कर सकते हैं, इनपुट एसजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी के साथ नहीं कर सकते। इसके विपरीत थर्ड है इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी अवेलेबल है तो उसका एडजस्टमेंट हम आउटपुट सीजीएसटी के साथ कर सकते। पहले तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें आउटपुट आईजीएसटी को ही देंगे, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे आउटपुट सीजीएसटी को, थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे आउटपुट एसजीएसटी को, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी का एडजस्टमेंट हम तीनों के साथ कर सकते हैं, बल्कि इनपुट सीजीएसटी का आउटपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, इनपुट एसजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी के साथ नहीं कर सकते, ये हमको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर इतना होगा, फिर हम चलते हैं अपनी टैली में। तो हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है कि आईजीएसटी तो इनपुट में अवेलेबल है और सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट में अवेलेबल है, तो इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए हम इसके एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर वाउचर्स में चलेंगे, ठीक है। अब F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे हम, सीजीएसटी कितना है 19,440,
ठीक है, फिर आ जाएगा डेबिट बैलेंस फिर से SGST 19,440। ठीक है, फिर आ जाता है टू में IGST 22,680, 22,680 IGST अपना था 22,680, उसको लेके अब बाकी का जो बच जाता है उसको हम लेंगे GST एडजस्टमेंट। ठीक है, अंडर लेंगे प्रोविजन। ठीक है, और इसको एसेट कर देंगे, जो बाकी की राशि है वो हम प्रोविजन में लेके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब बाकी की जो राशि है ना वो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट प्रोसेस करने के बाद में जो राशि हमसे बचती है वो ही हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। इसके विपरीत अगर हम क्या करते हैं, लोकल क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं और IGST के लिए हम सेलिंग करते हैं, तब क्या होगा, IGST को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, उनका इनपुट क्रेडिट लेंगे। ठीक है, और फिर CGST IGST को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट में IGST होगा और CGST IGST क्रेडिट में होगा। इस प्रकार से हम हर प्रकार का एडजस्टमेंट पास कर सकते हैं। बस ये हमें ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि CGST का एडजस्टमेंट हमेशा CGST के साथ होता है, सेकंड IGST के साथ होता है, लेकिन SGST के साथ नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार IGST का एडजस्टमेंट SGST के साथ होता है या फिर IGST के साथ होता है लेकिन CGST के साथ नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार IGST का एडजस्टमेंट है वो CGST के साथ भी हो सकता है, IGST के साथ भी हो सकता है और IGST के साथ, तीनों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो ऑलराउंडर है, लेकिन इनका इसके साथ नहीं हो सकता, इसका इसके साथ नहीं हो सकता, इसका इसके साथ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग अपनी वैल्यू रखते हैं। CGST सेंटर का होता है, IGST स्टेट का होता है, लेकिन IGST से एडजस्टमेंट हो जाएगा लेकिन आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटेड टैक्स है। ठीक है, लेकिन ये आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, IGST से दोनों एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स क्रेडिट से क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो GST बनता है वो हम आसानी से कैलकुलेट करके उसको जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकर आ जाऊंगा और यहाँ पर वाउचर्स में, पेमेंट वाउचर में आ जाऊंगा। यहाँ से हम कंट्रोल एफ के साथ GST का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, रेगुलर है, कब से कब तक है वो ले लेंगे, और यहाँ से हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे और GST एडजस्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी अपना 16,200 रुपये हमारा GST बनता है वो पेमेंट कर देंगे। इस प्रकार से हम आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, तो अपनी बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, तो हमारे पास कोई भी ड्यूटी जन टैक्स और प्रोविजन में कुछ भी नहीं रहता, हम पेमेंट कर चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैश इन हैंड इसलिए माइनस में आ रहा है कि जो हमने पेमेंट किया वो हमारा पेमेंट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी एडजस्टमेंट है GST में वो पास करते से कर सकते हैं, चाहे CGST हो, चाहे SGST हो, चाहे IGST हो। ठीक है, तो हमें बस पता ही होना चाहिए कि किसका एडजस्टमेंट किसके साथ होगा, किसका एडजस्टमेंट किसके साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमें पता होगा तो हम आसानी से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगली क्लास में। धन्यवाद।